हेलो फ्रेंड, आई एम शिव वर्मा फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, श्री रावतपुरा सरकारी यूनिवर्सिटी रायपुर से। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम पानी में मौजूद जो हार्मफुल और अनडिज़ायरेबल कंटामिनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करते हैं बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। इसमें बहुत सारे प्रोसेस जुड़े होते हैं जिनके थ्रू हम ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक मैटर और एल्गी, अनडिज़ायरेबल गैसेस वगैरह को रिमूव करते हैं ताकि पानी को पीने लायक बनाया जा सके। तो देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी वाटर को ड्रिंकिंग वाटर में कन्वर्ट करने के लिए या ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए किसी भी ट्रीटमेंट प्लांट में। तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारे अलग अलग यूनिट होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं। इसमें सबसे पहला है स्क्रीनिंग प्रोसेस, दूसरा है एरिएशन प्रोसेस, तीसरा फ्लॉकुलेशन एंड कोगुलेशन प्रोसेस, फोर्थ है सेडिमेंटेशन प्रोसेस, फिफ्थ फिल्ट्रेशन प्रोसेस, डिसइंफेक्शन एंड सॉफ्टनिंग। इसके अलावा भी कुछ और प्रोसेस होते हैं जो अलग अलग पर्पज़ पे यूज़ किए जाते हैं, लेकिन ड्रिंकिंग वाटर में जनरली ये सात जो प्रोसेस हैं वो हम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग में जो वाटर हम किसी भी रिजर्वायर या फिर वाटर सोर्स से लेकर आते हैं किसी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि प्लास्टिक, पेड़ पौधे और ऑर्गेनिक मैटर अलग अलग। उनको रिमूव करने के लिए यानी हैवी पार्टिकल्स या फिर बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है इसी को हम स्क्रीनिंग बोलते हैं। स्क्रीनिंग दो टाइप की होती है, कोर्स स्क्रीनिंग और फाइन स्क्रीनिंग। कोर्स स्क्रीनिंग में हम 10 mm से 25 mm के बार यूज़ करते हैं जिनके बीच की स्पेसिंग लगभग लगभग 2 मीटर के आसपास होती है। इसमें जो बहुत बड़े साइज़ के पार्टिकल्स या ऑब्स्टकल्स होते हैं या बोल सकते हैं हम कि ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो सारे रिमूव हो जाते हैं। और उसके बाद आता है फाइन स्क्रीनिंग। फाइन स्क्रीनिंग में जो बार्स की जगह हम वायर्स यूज़ करते हैं और जिगजैग या क्रॉस में यूज़ करते हैं, जिनका जो साइज़ होता है वायर का वो 10 mm के आसपास होता है, जिनके बीच की स्पेसिंग 3 से 4 सेंटीमीटर के बीच में होती है। जैसे कि आप जो देख रहे हैं ये जो बार्स हैं, ये बार्स फाइन स्क्रीनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। अगला प्रोसेस है एरिएशन। एरिएशन में हम वाटर को एयर के साथ में इंटरेक्ट कराते हैं या कांटेक्ट कराते हैं, तो इसके लिए हम स्प्रे नोज़ल मेथड या ट्रे स्प्रे मेथड यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेस हैं इसमें हम पानी को बहुत लंबे पाथ के लिए फ़्लो कराते हैं जिसमें एयर से ज़्यादा कॉन्टैक्ट हो सके। तो ये प्रोसेस एक्चुअली अनडिज़ायरेबल गैसेस जैसे CO2, H2S को रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी इस प्रोसेस के थ्रू रिमूव हो जाते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो है कोगुलेशन। एक्चुअली ये सेडिमेंटेशन के साथ में यूज़ किया जाता है। सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस होता है वो दो टाइप से यूज़ किया जा सकता है, एक कोगुलेशन विथ सेडिमेंटेशन, दूसरा प्लेन सेडिमेंटेशन। जब पानी में सस्पेंडेड सॉलिड्स का जो प्रोपोर्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है तब कोगुलेशन विथ सेडिमेंटेशन यूज़ किया जाता है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। अब कोगुलेशन प्रोसेस में हम ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हैं या ऐसे केमिकल्स पानी में एंटर कराते हैं जिसके वजह से जो सस्पेंडेड सॉलिड्स दूर दूर हैं वो आपस में एक कंपाउंड बनाकर बड़े साइज़ के पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाए, मतलब कि जो छोटा पार्टिकल है वो उनका साइज़ बड़ा हो जाए एक दूसरे के साथ जुड़ जुड़ कर, जिसको हम फ्लॉक्स भी कहते हैं। तो बड़े फ्लॉक्स अगर बनते हैं तो उसका वेट ज़्यादा होने की वजह से वो सस्पेंड होते जाता है, नीचे बैठते जाता है तली पर, और हमारा सेडिमेंटेशन टैंक का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है। इसके लिए जो कॉमनली यूज़ करने वाला केमिकल है वो है एलम, जिसको हम फिटकरी के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा कोपैरस, क्लोरीनेटेड कोपैरस
यूज़ किया जा सकता है। अगला जो प्रोसेस है वो है फ्लॉकुलेशन। फ्लॉकुलेशन जनरली एक मिक्सिंग प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉगुलेंट्स, जो कॉगुलेशन प्रोसेस में हम वाटर में एंटर कराते हैं, उसके थ्रू जो फ्लॉक्स बनते हैं उनको मिक्स करने का काम करते हैं। इस मिक्सिंग प्रोसेस में हम पार्टिकल्स को ज़्यादा टाइम देते हैं टू कम इन अ कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर। आस पास आने की वजह से उनका उनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है और एक दूसरे से जुड़कर वो फ्लॉक्स के साइज़ को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जनरली हम इसमें पार्टिकल्स को न्यूट्रलाइज करने का काम करते हैं। अगला जो प्रोसेस है वो है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस बेसिकली सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव करने का प्रोसेस होता है। इसमें हम पानी को बहुत स्लो वेलोसिटी के साथ में फ्लो कराते हैं या जनरली पानी को शांत छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से जो सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं वो अपने वेट की वजह से, ग्रेविटी फोर्स की वजह से नीचे तली पर बैठते जाते हैं, जिसको बाद में रिमूव कर लिया जाता है एज अ स्लज। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, मान लेते हैं कि ये पार्टिकल्स हैं जो अभी थोड़े दूर हैं वाटर में। जब इसमें कोगुलेंट मिलाया जाता है तो कोगुलेंट से रिएक्ट करके ये छोटे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट होते हैं। छोटे छोटे कंपाउंड में कन्वर्ट होने के बाद में इस पर फ्लॉकुलेशन प्रोसेस के थ्रू गुजारा जाता है, जिसमें फ्लॉकुलेशन पे वो मिक्स किया जाता है। तो मिक्सिंग प्रोसेस में वो ये सारे पार्टिकल जो अलग अलग कोगुलेंट होते हैं, कोगुलेशन के थ्रू फ्लॉक्स बनते हैं, ये सारे फ्लॉक्स एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में आते हैं और एक बड़े साइज़ का फ्लॉक बनाते हैं। ये बड़े साइज़ का फ्लॉक अपने वेट की वजह से ग्रेविटी के अंडर नीचे तली पर बैठते जाते हैं और उसको अलग से रिमूव कर लिया जाता है। इसके थ्रू वाटर में सस्पेंडेड सॉलिड रिमूव कर लिया जाता है और वाटर को सस्पेंडेड सॉलिड से फ्री कर दिया जाता है। अगला प्रोसेस फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इस फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जनरली हम बहुत छोटे फाइन सैंड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं फ्रॉम द वाटर, लेकिन इसके अलावा एडिशनली अगर हम देखें तो ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और मिनरल्स भी रिमूव हो जाते हैं। तो इसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़िल्टर मीडिया है। ये एक फिल्ट्रेशन टैंक होता है जिसमें एक फ़िल्टर मीडिया होता है। तो फ़िल्टर मीडिया में हम यूज़ करते हैं सैंड पार्टिकल्स। तो एक सैंड की लेयर होती है 60 से 90 सेंटीमीटर के बीच की। इसके वॉइड से पानी को पास कराया जाता है, जिसके कारण जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो उनके वॉइड्स के बीच में फंस जाते हैं और ऐसे हमारा जो पानी है वो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल से फ्री हो जाता है। इसके फिल्टर मीडिया के जस्ट नीचे होता है ग्रेवल बेड। ये ग्रेवल बेड बेसिकली जो हमारा फिल्टर मीडिया है, सैंड का जो फिल्टर मीडिया होता है उसको एक बेस प्रोवाइड करता है, हार्ड बेस प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से अगर पानी फ्लो हो रहा है तो उसके साथ में सैंड के पार्टिकल फ्लो होकर ना जा पाए, इस वजह से ये ग्रेवल बेड यूज़ किया जाता है। जब फिल्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान चोकिंग की कंडीशन आ जाती है तो फिल्टर मीडिया को रैकिंग या स्क्रैचिंग के थ्रू साफ़ कर लिया जाता है, लेकिन रैपिड सैंड फिल्टर में बैक वॉशिंग के थ्रू ये फ़िल्टर मीडिया साफ़ किया जाता है या क्लीन किया जाता है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस में जनरली तीन टाइप के फ़िल्टर यूज़ किए जाते हैं, स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर और प्रेशर फिल्टर। सबसे अच्छी एफिशिएंसी प्रेशर फिल्टर की होती है, लेकिन ज़्यादातर रैपिड सैंड फिल्टर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट प्रोसेस सॉफ्टनिंग प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में हम वाटर से हार्डनेस रिमूव करते हैं। हार्डनेस बेसिकली कैल्शियम या मैग्नीशियम के कैटायंस के कंसंट्रेशन होता है, जिसकी वजह से पानी की सोप के थ्रू झाग बनाने या फोम बनाने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से सोप का कंजप्शन बढ़ जाता है। इसके अलावा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट होते हैं उसकी वजह से डिसेंट्री जैसे डिजीज़ हो सकते हैं। तो लेकिन इसका सबसे ज़्यादा अगर हम देखें डिसएडवांटेज जो होता है हार्डनेस का, वो बॉयलर फीड वाटर में होता है। हार्डनेस की वजह से बॉयलर में स्केलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से बॉयलर की एफिशिएंसी कम हो जाती है। तो इसे बचाने के लिए हम सॉफ्टनिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं। सॉफ्टनिंग प्रोसेस के लिए जनरली हम जियोलाइट मेथड या फिर लाइम सोडा मेथड यूज़ करते हैं। सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में हम वाटर में प्रेजेंट पैथोजेनिक बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रिमूव करते हैं
बाय केमिकल प्रोसेस। इसमें हम जो केमिकल्स का यूज़ करते हैं वो है ओजोन, KMnO4 या पोटेशियम परमैंगनेट जिसको बोलते हैं हम, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ किए जाते हैं वो है क्लोरीन। क्लोरीन बेसिकली मोस्ट ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा ओजोन भी यूज़ किया जाता है। तो क्लोरीन हमारे को ब्लीचिंग पाउडर के रूप में ज़्यादातर दिखाई देता है। क्लोरीन जनरली किसी भी पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के एंजाइम्स को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से उनके ग्रोथ रुक जाती है और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। उसके उसकी जगह जब ओजोन यूज़ किया जाता है तो ओजोन किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से उनका ग्रोथ रुक जाता है। डिसइन्फेक्शन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी भी कम्युनिटी में डिजीज़ कॉज करते हैं, उनको रिमूव करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। इसीलिए डिसइन्फेक्शन प्रोसेस सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे एंड प्रोसेस होता है। तो ये था हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का एक फ्लो डायग्राम या फ्लो चार्ट, जिसे हम एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के प्रोसेस को इजीली समझ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।